और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आई है, जहां पर गंगा नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए। 2 बेटियों सहित 3 लड़के गंगा नदी में नहाते वक्त डूब गए। 5 बच्चों के डूबने से मच गया हड़कंप। एक बच्ची को गोताखोरों ने जिंदा बाहर निकाल लिया। 4 बच्चे गंगा नदी में गए समा। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आई है, जहां पर गंगा नदी में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए। इसमें एक बच्ची को तो स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। डूबे हुए बच्चों को आनन-फानन में पानी से बाहर निकालकर अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां पर डॉक्टरों ने 4 बच्चों को मृत कर दिया घोषित। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही करना चाह रहे थे अंतिम संस्कार, लेकिन सूचना पाकर पहुंची पुलिस 4 बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जिला अस्पताल। उन्नाव के कोतवाली गंगाधार घाट की पुलिस चौकी जांच मऊ के चंदन घाट की है। पूरी घटना 4 बच्चों की मौत से क्षेत्र में मचा कोहराम। यहां पर COCT सोनम सिंह ने बताया कि 5 बच्चे डूबे थे, जिसमें एक बच्ची को बचा लिया गया, जबकि 4 बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसे में परिवार में कोहराम मच गया। आज दिनांक 13/4/2024 को सुबह 7:30 बजे थाना गंगाघाट क्षेत्र अंतर्गत नैकानी बिल्डिंग 16 बीघा में रहने वाले 5 बच्चे, जो कि थाना गंगाघाट क्षेत्र अंतर्गत स्थित चंदन घाट में नहाने गए थे, जिसमें 3 लड़के व 1 लड़की नहाने के दौरान डूब गए थे। परिजनों द्वारा 4 बच्चों को स्थानीय NS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सरकारी हॉस्पिटल काशीराम चकेरी कानपुर नगर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके उपरांत परिजन शवों को वापस घर ले आए हैं। थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिरुन, कैसे घटना हुई है और कितने लोग थे और कहां पे ये घटना हुई, क्या करने गए थे? यहां से 4 बच्चे, यहां से 5 बच्चे यहां से गए थे खेलने, खेलते खेलते वहां गंगा किनारे पहुंच गया और पता नहीं चला कब गिरे कब क्या हुआ। 7 बजे की टाइम है, हम 7:30 बजे यहाँ से पहुँचे तो वहाँ पता लगा वो बच्चे दिख नहीं रहे, एक लड़की हमको दिखी अपनी, तो उसको हम बचवा लिए। एक नाव लेके खड़ा था लड़का, उसे हमने पकड़वा लिया। बिटिया मेरी निकल आई है, 2 बच्चे मेरे और 2 देवर के बच्चे, दोनों उसी में डूब गए थे। अच्छा, कैसे क्या निकाला गया? घूम के नवैया से निकाला गया, नाव से जाल डाल के निकाला गया। कितनी दूर पे मिले थे ये सब? ये काफी बीच में मिले थे, थोड़ा सा।